ॐ नमः सिद्धेव्यः ॐ नमः सिद्धेव्यः यदर्चाभावेन प्रमुदित्मना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की उत्तम सत्य धर्म की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्य आत्मा धूप की शिद्दत शोलों की तपन सहकर देखिए धूप की शिद्दत शोलों की तपन सहकर देखिए आप भी मेहनत कसमों के बीच रहकर देखिए आपका भी नाम मुजरिमों के साथ होगा बस इस जमाने में जरा सच को सच कहकर देखिए सत्य धर्म सबसे कठिन सबसे पवित्र सत्य से बढ़कर कोई मुक्ति प्रदाता नहीं इस धरती पर इस सत्य धर्म की आराधना बहुत आसान है पर सत्य धर्म की साधना बहुत कठिन काम हुआ करता है सत्य प्रताड़ित होता है सत्य कष्ट मिल से कष्ट मिलते हैं सत्य के रास्ते कांटों भरे रास्ते हैं सत्य का मतलब है कांटों का श्रृंगार करना सत्य का मतलब है अग्नि पथ पर चलना सत्य तो वह है जिस जीवन में उतर जाता है मोक्ष उससे दूर नहीं रहा करता है उत्तम सत्य है सत्य अपमानित होता है असत्य सम्मानित होता है और यही वजह है कि आदमी झूठा होता चला जा रहा है क्योंकि हमने असत्य का सम्मान किया है और सत्य को ठुकराया है अपने जीवन में काश दुनिया सत्य को सम्मानित कर लेती तो सारे जगत को सत्यवादी होने में ज्यादा देर नहीं लगती असत्य की पूजा है सत्य की नहीं मीरा जीसस शेठ सुदर्शन मानतुंग चंदना गजकुमार पांच पांडव द्रौपदी सीता इस सत्य में जीने वाले लोग आपको मालूम है कि जितनी इन्होंने सत्य की साधना की उतना उतना कष्ट इनको प्राप्त हुआ है सत्य परेशान होता है सत्य को यह दुनिया प्रताड़ित करती है एक बात ध्यान रखना ये वो सत्यवादी लोग हैं जिन्हें मृत्यु के बाद भी सारी दुनिया उनका सम्मान से नाम दिया करती है ध्यान रखना मानवर सत्य अकेला होता है ये भीड़ झूठों की है ये दुनिया झूठों का डेरा है सत्य हमेशा अकेला होगा जब जीसस को फांसी दी जा रही थी कौन था उनके साथ कोई नहीं उनके ही पादरी उनके खिलाफ खड़े हो गए थे जीसस को फांसी किसी दूसरों ने नहीं दी उनके ही चेलों ने दी है ध्यान रखना राम को वनवास मिल रहा था पूरी अयोध्या खड़ी देख रही थी राम अकेले थे सारी भीड़ झूठों की थी सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी
अकेली सीता अग्नि में कूदती है, भीड़ देखती है बस तमाशा। ध्यान रखिए मानवर, मीरा को जब जहर मिला अपना ही देवर उनका दुश्मन हो गया था। ध्यान रखिए, अपनों से धोखे मिलते हैं। मानतुंग जब बेड़ियों में जकड़े गए, सारा जैन समाज मौन खड़ा रहा, कोई कुछ ना बोल सका। गजकुमार पर जलती सिगड़ी रख दी गई, कोई उनके साथ ना था। पारसनाथ को सारी दुनिया पूजती है, लेकिन जब उन पर पत्थर और अग्नि